आईस में आप सबका स्वागत है। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के बारे में जानेंगे। इसमें फोर्थ साइट्स है कालीबंगम। कालीबंगम घाघर नदी के किनारे इसका पाया जाता था। ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था कालीबंगम। ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, ना वेल प्लान था, जैसे कि और इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाकी इंडस वैली साइट्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे, वेल डेवलप थे, ये उतना वेल डेवलप नहीं था। सारे सारे इंडस वैली साइट्स पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा बना हुआ था, कि वो सफाई साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। पर कालीबंगम में ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिला। जब खुदाई हुई तो कालीबंगम में ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिला, इसीलिए इसमें कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। अग्निकुंडास भी इसमें पाया जाता है, जिसको फायर पिट्स भी कहते हैं, जिसमें आग जलाते थे रात में और दुश्मनों से अपने आप को बचाते थे, जानवरों से अपने आप को बचाते थे। इस साइट्स का खोज 1953 में एक 1953 में हुआ था। और इसमें प्लाउड फील्ड भी पाया जाता है, कि इसमें इसमें ये लोग फार्मरिंग करते थे। ये लोग फील्ड को जोतते थे और खेती करते थे, तो इसमें इस टाइप का फील्ड पाया जाता है। ये लोग वीट, राइस और सब ये उगाने उगाने में सक्षम थे, और ये सब जानते थे कि खेती कैसे की जाती है। तो इनको 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 नॉलेज था खेती का। थॉलरिया थॉलवरिया मेनली गुजरात में पाया जाता है, मेनली गुजरात, ये गुजरात साइट्स का एक हिस्सा है। सो ऑल दी थ्री फीचर ऑफ हड़प्पा, यही एक ऐसा ऐसा साइट्स है जो ऑल दी थ्री फेज ऑफ हड़प्पा को दर्शाता है। ऑल दी थ्री फेज, प्री हड़प्पा, प्रो हड़प्पा एंड आफ्टर हड़प्पा। स्क्रिप्ट भी इसमें पाया गया था, बिग अल्फाबेट का स्क्रिप्ट भी इसमें पाया जाता है, कि बहुत वो उनका लैंग्वेज अलग था, कि वो अलग तरीके से लिखते थे। तो स्क्रिप्ट्स में बहुत ही बड़े बड़े अल्फाबेट का स्क्रिप्ट भी पाया गया था। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये फर्स्ट सिविलाइजेशन है जो बहुत ही डेवलप था, अर्बन था। इसमें टाउन प्लानिंग था, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था थी, और इनका घर भी मॉडर्न टाइप से बना हुआ था। ये बहुत सारे टूल्स का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को बनाते थे। तो ये बहुत ही अर्बन अर्बन कल्चर से आज हम सब रहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम का आज व्यवस्था है, तो ये ड्रेनेज सिस्टम का व्यवस्था उनके सिविलाइजेशन में भी था। टाउन मेनली डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, टाउन को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते थे। एक सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल में जो रूलिंग करते थे, जो या हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उस समय, उसको रूलिंग क्लास कहते थे, वो ही राज करते थे, तो उन वो सिटाडेल में रहते थे। और कॉमन पीपल जो रहते थे वो लोअर टाउन में रहते थे। टॉलवरिया तीन पार्ट्स में एग्जिस्ट करता था। हड़प्पा साइट्स जो है ब्लॉक पैटर्न में बटा हुआ था, इनका घर जो रहता था ये ब्लॉक पैटर्न में बटा हुआ था। और रोड्स जो होते थे कट करते थे 90 डिग्री पर, इनके रोड्स यहाँ से रोड्स निकले, फिर यहाँ से रोड्स निकले, तो ये 90 डिग्री पर आपस में कट करते थे और ये हाउस हो गया। हाउस ये ब्लॉक पैटर्न, चेस पैटर्न भी इसको बोलते हैं, चेस पैटर्न। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था, उनको सफाई सुथरा का बहुत ध्यान रखते थे। ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था, अंदर ही अंदर पानी जाकर नदी में मिल जाता था, इसलिए आज भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम हमको देखने के लिए मिलता है। तो ड्रेनेज सिस्टम उनका बहुत डेवलप था। चनुडारो एक ऐसा साइट था जिसमें कोई सिटाडेल नहीं था, यही एक ऐसा साइट है जिसमें विदाउट सिटाडेल, इसमें सिर्फ लोअर टाउन के लोग रहते थे। हड़प्पा न्यू अबाउट मेजरमेंट, ये मेजरमेंट भी करने के लिए जानते थे, और इनके समय में लकड़ी का मेजरमेंट, जिस पे कुछ लकड़ी लकड़ी से मेज़र किया करते थे, तो दे न्यू अबाउट द मेजरमेंट।
और जब इंसान मर जाते थे तो इन डिस्पोजल ऑफ द डेड कर देते थे, तो ये कंप्लीट ब्यूरल ये सब गाड़ देते थे उसको। ये कॉमन मेथड मिलता है कि जब इनके यहाँ कोई इंसान मर जाता था, कोई पीपल मर जाता, रिटायर कर जाता था, तो वो इसको गाड़ देते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज इतना ही, कल बाकी बाकी इकोनॉमी ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इकोनॉमी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।